पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विधायक विक्रमादित्य सिंह के बीजेपी नेत्री पर दिए बयान पर भाजपा भड़क गई है। हालांकि पूरे मामले में विधायक विक्रमादित्य सिंह ने माफी मांग ली है। वहीं भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्षा पायल वैद्य ने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए मां प्रतिभा सिंह और बेटा विक्रम आदित्य दोनों ही गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पहले सांसद प्रतिभा सिंह ने गुड़िया मामले में गलत बयान दिए और अब विक्रमादित्य सिंह एक महिला नेता के चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कि सरासर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब लोगों के बीच में कांग्रेस के विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी द्वारा दिए गए एक बहुत ही निंदनीय बयान को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बहुत शर्म की बात है कि उन्होंने किसी महिला को लेकर के इस तरह की टिप्पणी की है। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, मैं समझती हूँ कि हिमाचल जैसे देवभूमि में इस तरह के शब्दों का चयन, और वो भी एक महिला के प्रति जो किसी की माँ है, किसी की बेटी है और किसी की बहू है और किसी की बहन है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले जब उनकी माताजी जो मंडी लोकसभा से सांसद हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने कहा कि गुड़िया कांड जो है वो एक बहुत ही छोटी सी बात थी। उन्होंने इतने बड़े हिमाचल जैसे एक शांत प्रदेश में जब इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ तो उसको एक छोटी सी बात कहना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनमें बौखलाहट है। और कांग्रेस पार्टी जो है अपना राजनीतिक स्तर जो है वो कहीं ना कहीं उनका स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। और इतना ही नहीं, उस वक्त उन्होंने ये कह करके कि मीडिया के लोगों ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त तो आपने बात मीडिया के ऊपर डाल दी थी, लेकिन आज जब आपके पुत्र, जिनकी माता भी एक स्त्री हैं, जिनकी पत्नी भी एक स्त्री हैं, वो जब इस तरह का बयान लोगों के बीच में जाकर के देते हैं तो वो किस तरह के संस्कारों की बात करते हैं। यहाँ पर हमें संशय होता है कि उनके पिता श्री राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो बात करते हैं संस्कारों की, तो अगर संस्कार सीखने हैं तो उनसे सीखते। वो कौन से, क्या वो नहीं जानते कि एक महिला का सम्मान क्या होता है? और इस तरह से महिला को सरेआम किसी महिला को लेकर के टिप्पणी करना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी तक तो वो बचते आए ये कह कर के, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना जो राजनीतिक अपना ग्राउंड है उसे खोने के डर से इस तरह की बयानबाजी कर रही है, और ये बहुत ही दुखदाई भी है। और मैं पूरी कड़े शब्दों में मांग करती हूँ कि विक्रमादित्य जो हैं वो इसके लिए माफ़ी मांगे और अपने इन शब्दों को। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।